A big, big round of applause. मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है घिर कर हौसला मत हारना मेरे दोस्त ये ठोकर ही है जो इंसान को चलना सिखाती है आज का जो मेरा सेशन है उसमें मैं जो आज की तारीख में ज्वलंत मुद्दा जो चल रहा है उसको लेकर के आया हूं वो है डिप्रेशन का और स्ट्रेस का आज का जिस तरह का माहौल है उसमें ज्यादातर लोग काफी हद तक डिप्रेस रहते हैं टेंशन में रहते हैं और यहां तक कि आप ताजुब करेंगे कि अगर टू का डेटा उठा करके देखें उस डेटा के अकॉर्डिंग वन लैख सुसाइड लोगों ने सुसाइड किया था सिर्फ डिप्रेशन की वजह ज्यादा लोगों के आज लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनको डिप्रेशन है कई लोग ऐसे उनमें से जिनको यह पता ही नहीं चलता डिप्रेशन है उसका कारण क्या है कि उसके सिम्टम्स के बारे में पता नहीं होना

जब आप टेंशन में होते हैं डिप्रेशन में होते हैं आप कितनी भी कोशिश करो काम करने के कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते और नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं दिमाग के अंदर कई लोगों को लगता है कि डिप्रेशन जो है इस वजह से आता है कि हम हमारे बिजनेस में फेल हो गए हम हमारे करियर में फेल हो गए हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं हम पढ़ाई में सक्सेस नहीं हो पाए या हमारा पड़ोसी हमसे आगे निकल गया है ऐसे कई रीजन है जिनकी वजह से डिप्रेशन हुआ तो ऐसा नहीं है मैं आपको बता दूं कामयाब लोग जो है ना अपनी जिंदगी में जो सबसे टॉप पर है वो लोग भी डिप्रेशन का शिकार हुए हैं आपको मैं एक बात बताता हूं टू थाउजेंड ट्वेंटी की बात है जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रखा था एक इंटरव्यू रखा था दीपिका पादुकोण का तो उसमें WHO के डायरेक्टर टूडो ने जब उनसे बातचीत की तो बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि 2015 में वो अपने घर से निकली और निकलते ही बेहोश होकर के गिर गई उसको हॉस्पिटल लेकर के गए और वहां पर उनके मम्मी पापा उनसे मिलने के लिए आए जब वो मम्मी पापा मिलकर के जाने लगे वो जोर जोर से रोने लगी कि मम्मी यहीं पे रुक जाओ वो टाइम कौन सा था जब उसकी फिल्में कामयाब थी टॉप की एक्ट्रेस में उसका नाम शुमार था करोड़ों रुपया कमा रहे थे लेकिन उसके बावजूद भी वो क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी तो ये जो डिप्रेशन होता है इससे निकाला निकला कैसे जाता है तो सबसे पहली चीज तो मैं जितने भी यहाँ पे बैठे हैं उन सभी मेरे जो भी भाई बहन जो भी यहाँ पर बैठे हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब डिप्रेशन में कभी कभी ये सुसाइड सुसाइड टेंडेंसी टेंडेंसी आती है ना इस को निकाल बाहर फेंकिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मान लीजिए कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और एकदम से आप ठोकर खाकर के गिर गए और आपको पैर में चोट लग गई अब आप क्या करेंगे उस पैर को काट करके फेंक देंगे या उसका इलाज करेंगे इलाज करेंगे

और उन्होंने वापस से शुरुआत की और वापस अपना बिजनेस खड़ा कर दिया उन्होंने मतलब चीज नेगेटिव थी से भी तो, सितारे बदल जाएंगे। सोच को तो सितारे बदल जाएंगे नजरों को बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे नजरों को बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे किनारे बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों कश्तियां बदलो

हाँ ये चीज़ ऐसे की जा सकती है गौर गोपाल दास का मैंने एक सेमिनार देखा है ना तो, या तो उसका सोलूशन है, है। सोल्यूशन है, तो नहीं है तो टेंशन लेकर भी क्या लोगे? तब ही टेंशन नहीं लेने का जिंदगी में एकदम आराम से सुकून बने रहने का कूल माइंड रहोगे अपने आप आपको सोल्यूशन मिलेगा प्रॉब्लम जो होती है ना वो एक तलवार की धार की तरह होती है जो आपकर